हे गाइस, आई सैफ यानी कि इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स में स्वागत है आपका। फैक्ट्स वेयर हैव यू सी। मैं हूं आपका होस्ट और नरेटर गुरनूर टूर और आप देखने जा रहे हैं वाइल्ड स्टॉर्म की गॉड ऑफ वॉर पार्ट टू स्टोरी एक्सप्लेन्ड। इस पार्ट में हम देखेंगे कि एलरिक और हिरोडियस कौन थे, कैसे किया क्रेटोस ने हिरोडियस का सामना, आखिर क्यों पानी का देवता पोसाइडन क्रेटोस को मारना चाहता था, और क्या क्रेटोस लिसांड्रा को दिए वचन को पूरा कर पाएगा। एवरीथिंग इन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट टू नो मोर अबाउट द स्टोरी लाइन ऑफ गॉड ऑफ वॉर। अन्य रोमांचक कॉमिक बुक स्टोरीज को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो। तो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं क्रेटोस को उस विशालकाय मकड़ी के सामने खड़े हुए, और यहां से स्टोरी हमें बताती है कि अपने जीवन में दूसरी बार दृढ़ संकल्पी क्रेटोस ऑस्लीपियस के उस हीलिंग एम्ब्रोजिया की खोज करता है, और हालांकि वह इस मार्ग से पहले भी होकर निकल चुका था, मगर ये युवा देवता इस बात से बेखबर था कि उसके भाग्य ने उसके लिए आगे क्या नई योजनाएं बना रखी है। फिर हम देखते हैं उस दानव मकड़ी को क्रेटोस से बात करते हुए। वह उसे कहती है कि अपने संघर्ष को छोड़ दो मानव, जल्दी ही ये सब खत्म हो जाएगा। मगर क्रेटोस उसे कहता है कि हाँ, सब खत्म हो जाएगा, मगर तब जब तुम मारी जाओगी। और फिर क्रेटोस जलती हुई मशाल को हाथ में उठाता है और उसे उन नन्ही मकड़ियों पर फेंक देता है और वह जलने लग जाती है। इस बात से दानव मकड़ी तिलमिला उठती है और वह क्रेटोस को कहती है कि मेरे अनमोल बच्चों को नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। क्रेटोस कहता है कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वैसा ही करता हूं, क्योंकि अब मैं युद्ध का देवता बन चुका हूं। और ऐसा कहते हुए वह दानव मकड़ी पर ब्लेड्स ऑफ केओस से हमला कर देता है। दर्द में चिल्लाते हुए वह मकड़ी उसे कहती है कि नहीं, तुम तो केवल दिखावा करने वाले हो और तुम्हें सिर्फ विनाश के लिए चुना गया है। क्रेटोस उसे पूछता है कि तुम कहां से आई हो, मुझे मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा है, बताओ मुझे। फिर क्रेटोस को उस मकड़ी की आंखों में वही फायर बीस्ट दिखता है जिसको उसने कभी मारा था। और एक समय था जब क्रेटोस जिंदगियों को खत्म करने के लिए ही नहीं, मगर उन्हें बचाने के लिए भी लड़ता था। फिर क्रेटोस दूर की यादों में बह जाता है और वही फायर बीस्ट उसकी आंखों के सामने आ जाता है। वह फायर बीस्ट उसे कहता है कि इंसान के पुत्र, तुम्हारी बच्ची नहीं बच पाएगी और तुम सदा के लिए हेडिस की आग में जलोगे। इस बात से नाराज होते हुए क्रेटोस उस बीस्ट पर हमला कर देता है, मगर इसी के साथ उसे वही बातें याद भी आती हैं जब उसने एक पीड़ित बच्चे को खाई में फेंक दिया था, और फिर उसे लिसांड्रा और अपनी बच्ची की याद आती है और वह कहता है कि कोई भी आदमी, दानव या देवता मुझे मेरी बच्ची को बचाने से नहीं रोक पाएगा, तुम मरोगे और कैलियोपी को मैं बचा लूंगा। और ऐसा कहते हुए वह उस दानव को मार डालता है। युद्ध से थका हुआ क्रेटोस पानी पीने के लिए समंदर के किनारे पर बैठ जाता है, और जैसे ही वह पानी को अपने चेहरे के पास लाता है तो उसे लिसांड्रा और कैलियोपी पानी में दिखाई देती हैं। वह कहता है कि लिसांड्रा, मैं वादा करता हूं कि मैं हमारी बच्ची को बचा लूंगा, और जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक मैं अपने वचन को निभाता रहूंगा। अपने वादे पर पूरा यकीन होने के बावजूद भी क्रेटोस ने चुपचाप आशा व्यक्त की कि ऑस्लीपियस का हीलिंग एम्ब्रोसिया कैलियोपी को ठीक कर देगा, इससे पहले कि उसके बेचारे नाजुक शरीर को बाकी बीमारों और अपंगों के साथ माउंट टेगेटोस की खूनी गहराइयों में फेंक दिया जाए। और तभी कोई पीछे से क्रेटोस को योद्धा कहकर बुलाता है। क्रेटोस अपनी तलवार उठाते हुए हैरानी से पीछे मुड़कर देखता है तो वह पाता है कि कैप्टन निकोस उसके पीछे अपनी सेना के साथ खड़ा था, और निकोस क्रेटोस को कहता है कि बैठ जाओ क्रेटोस, तुम अपने कप्तान को चुनौती नहीं देना चाहोगे। क्रेटोस निकोस से पूछता है कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है, तो निकोस क्रेटोस को शांत रहने के लिए कहता है। वह बताता है कि बादशाह चाहते हैं कि ऑस्लीपियस का एम्ब्रोसिया पूरे स्पार्टा की भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ रोग ग्रसित शिशुओं को बचाने के लिए।
तो इसीलिए तुम अपने सफर को जारी रखोगे, मगर इस बार तुम मेरी आज्ञा के अधीन रहोगे। क्या तुम समझ गए क्रेटोस? क्रेटोस कहता है कि बादशाह का हुक्म ही नियम है, हमेशा की तरह, और अब हमें चलना होगा क्योंकि अभी भी हमारी यात्रा पूरी होने में कई दिन लगेंगे। जब क्रेटोस रेत से भरे मैदानों में स्पार्टन सेना का नेतृत्व कर रहा था, तब वह इस बात से अनजान था कि दूर पूर्व की ओर एक और खतरा पैदा हो गया था, और वह था बारबेरियन प्रिंस एलरिक। जब एलरिक को अपने बीमार पिता के बारे में पता चलता है, तो वह उसे मिलने के लिए वहां पर आता है, और एक व्यक्ति उसे बताता है कि तुम्हारे पिता के पास अंदर एक हीलर है, और कई दिन बीत चुके हैं मगर तुम्हारे पिता नींद से नहीं जागे हैं। एलरिक टेंट के भीतर दाखिल होता है और वह हीलर से पूछता है कि क्या बात है, मेरे पिता को क्या हुआ है। हीलर बताता है कि ये एक तरह की बीमारी है, लिविंग स्लीप। एलरिक हीलर को पूछता है कि मुझे इस बीमारी का इलाज बताओ। तो हीलर कहता है कि मैंने कुछ आवाजें सुनी थी, मुझे पता नहीं किसकी, मगर उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें अपने पिता को बचाने के लिए ऑस्लीपियस के कुएं को ढूंढना होगा और उसमें से हीलिंग एम्ब्रोजिया को निकाल कर लाना होगा, और उसकी सिर्फ एक घूंट तुम्हारे पिता को मॉर्फियस की दुनिया से बाहर ले आएगी। मगर सावधान रहना, आवाज ने यह भी कहा था कि कई अन्य लोग भी उस हीलिंग एम्ब्रोजिया को ढूंढ रहे हैं, और अगर उन्होंने एम्ब्रोजिया को तुमसे पहले खोज लिया तो हमारे बादशाह मारे जाएंगे। ये सब सुनने के बाद एलरिक अपने योद्धाओं से कहता है कि वह एम्ब्रोजिया मेरा हो, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मेरे खूनी क्रोध से गुजरना पड़ेगा। देवता देवलोक में ये सब दृश्य देख रहे होते हैं, और एरेस हेडिस को कहता है कि तुम इस पागल मानव को एक योद्धा मानते हो, जिसपे हेडिस कहता है कि क्या मैंने अभी तुम्हारी बात में डर को महसूस किया है एरेस? और जैसे कि अब तुम मेरे योद्धा एलरिक को देख चुके हो, तो तुम्हें अपनी हार कबूल कर लेनी चाहिए, और इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। एरेस हेडिस को कहता है कि तुम अपनी जीत के सपनों को देखते रहो हेडिस, क्रेटोस किसी को भी और किसी चीज को भी उसे रोकने नहीं देगा, वह अपनी बच्ची की जिंदगी के लिए लड़ रहा है। हंसते हुए पोसाइडन कहता है कि बस एक बच्ची, मेरा योद्धा अपने पूरे गांव के लिए लड़ रहा है। और हर्मिस आर्टमिस को कहता है कि मैं क्षमा चाहता हूं, मगर उनमें से कोई भी मेरे योद्धा का सामना नहीं कर पाएगा, और मेरा योद्धा इन सभी चीजों से परे एक महान चीज के लिए लड़ रहा है, और वह है हर्मिस की महानता। आर्टमिस हर्मिस को टीज करते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि हम सबको पता है कि तुम कितने महान हो। दूसरी तरफ हेडिस और एरेस लड़ रहे होते हैं। हेडिस एरेस को कहता है कि तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें उस समय फीकी पड़ जाएंगी जब उनको मेरे योद्धा एलरिक का सामना करना पड़ेगा, मेरी जीत निश्चित है। एरिस हेडिस को कहता है कि तो तुम इस खेल को शल से जीतना चाहते हो, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे तुम जीत सकते हो। हेलियस उन्हें टोकते हुए कहता है कि क्या तुम दोनों चुप करोगे, मैं उन मानवों को देख रहा हूं, वह कितने मनोरंजक है। और फिर समंदर में एक बड़े जहाज को देखते हुए हर्मिस पोसाइडन को पूछता है कि क्या वह तुम्हारा योद्धा है। पोसाइडन कहता है कि हाँ, वह हेरोडियस है, जो कि थेरा का रहने वाला है। मैंने उसके पूरे आइलैंड को एक प्लेग से पीड़ित कर दिया है, वह सब मर रहे हैं, और ये सब बेहद दर्दनाक है। हर्मिस कहता है कि मगर ये सब काफी नहीं होगा, देखो एरिस का मानव एक खतरे का रूप ले रहा है। पोसाइडन कहता है कि वह समंदर तक पहुंच चुका है, उसे रोकना होगा, मैं एरिस को फिर से जीतने नहीं दे सकता। और हर्मिस कहता है कि मेरे पास एक सुझाव है, और अगर ये काम नहीं करेगा तो भी हम उसे कुछ देर के लिए रोक सकेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं क्रेटोस और उसके स्पार्टन्स को दानवों के साथ लड़ते हुए। क्रेटोस कहता है कि हम कभी भी हार नहीं मानेंगे, वह कहता है कि हम दुश्मन को मिलेंगे, उससे लड़ेंगे और उसे खत्म कर देंगे। क्रेटोस के इस युद्ध कौशल से हर्मिस हैरान रह जाता है कि कैसे एक आम मानव ने सेटायर्स की आर्मी को मार दिया था। हर्मिस की मदद से निराश हुआ पोसाइडन कहता है कि
मुझे हेरोडियस से बात करनी पड़ेगी और मेरा योद्धा उसे जरूर खत्म कर देगा। पोसाइडन की बात सुनने के बाद हेरोडियस अपने लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने सुन लिया कि हमारे देवता पोसाइडन ने हमसे क्या कहा है। उसने ये भी कहा है कि स्पार्टन्स थेरा के लोगों से वे ऑस्लीपियस का एम्ब्रोजिया छीनना चाहते हैं, जिसके बाद कि हमारे माता पिता, हमारी पत्नियां और बच्चे मारे जाएंगे। इसीलिए इस सब को होने से रोकने के लिए उन सभी को खत्म कर दो। दूसरी तरफ क्रेटोस ये सब सुन लेने के बाद बोलता है कि अगर तुम लोग युद्ध ही चाहते हो तो ऐसा ही होगा, और फिर वह अपनी स्पार्टन आर्मी को हेरोडियस के लोगों पर हमला करने को बोलता है। और देखते ही देखते सभी स्पार्टन्स उस समुद्री जहाज पर चढ़ जाते हैं। क्रेटोस कहता है कि यह समुद्री जहाज भी हमारा होगा। हेरोडियस अपने लोगों को कहता है कि क्या तुम लोगों ने यह सुना? वह मूर्ख सोचता है कि हम थेरन कमजोर हैं। चलो इन स्पार्टन्स को दिखाएं कि हम कितने कमजोर हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो ऑस्लीपियस के एम्ब्रोजिया को हासिल करेगा तो वह सिर्फ हमारे लोग होंगे और कोई भी नहीं होगा। और ऐसा बोलते हुए हेरोडियस स्पार्टन सोल्जर्स को मारने लग जाता है। दूर लड़ते हुए क्रेटोस कहता है कि एम्ब्रोजिया सिर्फ मेरा होगा, जिसपे हेरोडियस कहता है कि नहीं, तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी। और लड़ते हुए सिपाही स्पार्टा और थेरा के नाम के नारे लगाने लग जाते हैं। फिर समय आता है जब दो महान योद्धा एक दूसरे का सामना करते हैं। एक तरफ होता है स्पार्टन क्रेटोस और दूसरी तरफ होता है थेरावासी हेरोडियस। हेरोडियस क्रेटोस को कहता है कि तुमने मेरे सारे आदमियों को मार डाला है, तुमने मेरे लोगों की निंदा की है, तुम्हारी वजह से मेरे प्यारे देशवासी वह सब मारे जाएंगे। और ये सुनने के बाद ही क्रेटोस हेरोडियस पर हमला कर देता है और उसे कहता है कि तो तुम भी अपने लोगों के साथ चले जाओ। मगर हेरोडियस क्रेटोस के हमले को रोक उसे नीचे गिरा देता है। और गिरे हुए क्रेटोस को वह कहता है कि स्पार्टन, तुम एक बहादुर योद्धा हो और मैं क्षमा चाहता हूं कि हम एक दूसरे से दुश्मन बनकर मिले हैं, पर तुम्हारा युद्ध स्वार्थ से भरा हुआ है। तुम सिर्फ एक जिंदगी की खातिर लड़ रहे हो और मैं कई जिंदगियों की खातिर लड़ रहा हूं। मेरे लोग मुझे उन्हें बचाने का बल देते हैं। और ये सुनने के बाद ही क्रेटोस अपनी तलवार के वार से हेरोडियस को खत्म कर देता है और उसे कहता है कि तो अपने ओपोनेंट को समय देकर तुमने गलती की है और अपने लोगों को निराश भी कर दिया है। क्रेटोस हेरोडियस को मार डालता है। फिर वह स्पार्टन योद्धा से पूछता है कि कैप्टन निकोस कहां पर है। सिपाही उसे बताता है कि वह युद्ध में घायल हो गया है, हमें उसे हीलर के पास लेकर जाना पड़ेगा। मगर निकोस कहता है कि मैं ठीक हूं। इसके बाद क्रेटोस सिपाही को कहता है कि अगर जरूरत है तो उसे उठा लो और उसे सहारा दो जहां पर भी जरूरत हो। मगर समय गुजरता जा रहा है और हमें अभी भी एम्ब्रोजिया ढूंढना है। निकोस अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि सभी अपनी अपनी जगह ले लो और हम अभी ही निकल रहे हैं। देवलोक में अपने योद्धा की मौत को देख पोसाइडन तिलमिला उठता है और वह कहता है कि उस मूर्ख ने मेरे योद्धा को मार दिया और अब वह इस सभी की कीमत अपनी जान से चुकाए। क्रेटोस सिपाहियों को कहता है कि हम ल्यूकस के आइलैंड तक यात्रा करेंगे और वही वह जगह है जहां पर हमारा इनाम हमारा इंतजार कर रहा है। मगर गुस्साया हुआ पोसाइडन उन पर हमला कर देता है। समंदर की लहरों का भयानक रूप देख क्रेटोस कहता है कि अकेला हेरोडियस ही नहीं था जो हमें जीतने से रोकना चाहता था, मगर देवता भी हमें हराना चाहते हैं। पोसाइडन की लहरें घोड़ों के रूप में उन पर हमला करती हैं। क्रेटोस अपने सिपाहियों को कहता है कि लहरों में झुक जाओ, वह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, जीत सिर्फ स्पार्टा की होगी। क्रेटोस और उसके बहादुर सिपाही उस शिप पर अपने पूरे बल के साथ टिके रहते हैं, मगर उनका बल गुस्साए हुए पानी के देवता पोसाइडन के आगे ना टिक सका। और वह महान शिप, जिसको कि बनाने के लिए उसके निर्माताओं ने कितने ही महीनों का कड़ा परीक्षण किया था, को पोसाइडन ने कुछ ही मिनटों में तबाह कर दिया। क्रेटोस और उसके सिपाही पानी में गिर जाते हैं। लहरें शांत हो जाती हैं और सिपाही एक दूसरे को कहते हैं कि वे सब बच गए हैं। मगर फिर वही पानी के बीचों बीच एक भंवर उन पर हमला कर देता है।
क्रेटोस कहता है कि पानी का देवता अभी भी हमसे नाराज है और वह सभी उस भंवर में खींचे चले जाते हैं। क्रेटोस कहता है कि सभी एक दूसरे को कसकर पकड़ लो, हम हार नहीं मानेंगे। और यहीं पर कॉमिक के इस पार्ट का अंत हो जाता है। क्या क्रेटोस और उसके योद्धा वहां से बचकर निकल पाएंगे या फिर पानी का देवता उन्हें निगल जाएगा? ये सब हम देखेंगे गॉड ऑफ वॉर के अगले पार्ट में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग आई सैव, स्टे ब्लेस्ड।